सर मैं वो प्रिंस और आपने देखना शुरू कर दिया है नेशन टीवी बिहार। देखिए अभी बिहार में जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है 2023 से होने वाला है, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। विधानसभा चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के जस्ट एक साल बाद होने वाला है, लेकिन कुछ लोग अभी से ही चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। अभी हम विधानसभा राजा पाकर में आए हुए हैं और यहाँ से अभी वर्तमान में कांग्रेस की विधायिका प्रतिमा कुमारी हैं, लेकिन एक उम्मीदवार अभी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। उनका नाम है बेदामो देवी। पिछले बार 2020 में चुनाव लड़ी थी और करीब 3000 के अंदर में इनको वोट मिला था। और इनके पति हैं, यहाँ देख सकते हैं हीरा पासवान जी हमसे जुड़ गए हैं। ये दोनों जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। पता लगा है कि ये चुनाव भी लड़ने वाले हैं 2020 में। इनसे हम जानेंगे कि आखिर कौन सा मुद्दा लेके ये लोग जो है चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि अभी तो कोई विधानसभा चुनाव का मैटर है नहीं। अभी तो आप देख सकते हैं कि 2023 में जो है चुनावी शंखनाद भी होने वाला है। तमाम पार्टियों के द्वारा जो है 2024 की तैयारियों में सारे जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पे बिहार में होने वाले हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट लोग जो है विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में लगे हैं। इनसे हम जुड़ेंगे कि कौन सा मुद्दा आखिर इनका प्रभावी रहेगा, चुनाव मैदान में क्यों जो है उतरने वाली है। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, तो अभी कैमरा एकदम फुल कर दीजिएगा। चुनाव मैदान में क्यों? अभी तो विधानसभा चुनाव का कोई सुगुगाहट है नहीं। अभी तो मतलब जो है चुनाव का जो है प्रक्रिया अगर देखा जाए तो लोकसभा का 2024 में, 2025 में विधानसभा का हुआ। आप जो है क्यों चुनाव में अभी से तैयारी शुरू कर दी है? शुरू की है कि हमारा जनता खुश रहे, जनता खुश रहेगी, जनता के हम बीच में रहेंगे, जनता खुश रहेगा कि बेदामो देवी है हमारा आखिर, जो हमारा गांव के राजा पाकर 127 के बचा के रखे। अच्छा, तो मतलब जनता के बीच आप जा रही है? जनता के बीच में हम हैं। अच्छा, तो अभी चुनाव का तैयारी का क्यों जो है सोच लिए कि अभी से ही तैयारी करना है? मतलब चुनाव आते आते दो साल में जो है आप लोग पूरा अपना प्रिपरेशन कर लीजिएगा? कर लेंगे। अच्छा, वही ले हमारे अभी से नहीं करेंगे तो हम तो कैसे होएगा? अभी से करेंगे तब ना समाज के बीच में है, और समाज हमारा ऊपर में रहेगा, विश्वास करेगा कि बेदामो देवी के खड़ा किए है तो चुनाव में हमारा दिखा रहा लड़ेगा, हिम्मत रहेगा। 2020 में चुनाव कहे लड़े थे? तो लड़े है कि हमारा जैसे मतलब हमारा वो बच्ची बगल से शादी कर लिया, हम उसको आपकी बच्ची, हमारा बच्ची, अच्छा। हम केस किए तो हमारा कोई मुद्दा नहीं किया, न थाना फरवारी किया, न कोई माना। मतलब बगल में कोई शादी कर ली और उसके बाद जो है जब आप केस उस किए तो कोई मदद नहीं किया आपको, इसी से छुपा के आप जो है चुनाव मैदान में उतर गए? थाना में मैंने हम केस डाले, कोर्ट गए, हमारा कोई आदमी नहीं सहारा दिया, गांव सहारा दिया, समाज सहारा दिया। राजा पाकर में अभी क्या समस्या है? अभी देखा जाए राजा पाकर में समस्या ये है कि प्रतिभा देवी जीता तो कुछ नहीं किया। राजा पाकर में हमको फोन करता है कि बेदामो देवी यहाँ पर आइए देखिए, तो हम कहते हैं कि अभी तो हम गरीब परिवार के अभी खड़ा करवाया है, हम जीतेंगे तब ना कुछ विकास करेंगे। तो मतलब विधानसभा वाला चुनाव कहे लड़िएगा? मुखिया वाला चुनाव पिछले बार था, उसमें आप कहे नहीं चुनाव में? चुनाव लड़े है, मुखिया वाला चुनाव लड़ी है पिछले बार 2021 में। मुखिया वाला में नहीं लड़े है, विधायक से लड़े है। अच्छा, 1700 वोट आया था। वो है चुनाव में हम है कि जो समाज में हम मिल के रहेंगे, समाज हमको जो कहेगा। विधानसभा में कौन कौन मुद्दा उठाइएगा राजा पाकर के लिए? अगर चुनाव जीत जाती है तो कौन मुद्दा उठाएंगे? मुद्दा उठाएंगे कि जीतेंगे तो हम समाज के अच्छा से रखेंगे, रोड जहाँ पहाँ टूटा हुआ है उसको अच्छा से हम बना के दिखाएंगे, इसलिए हम खड़ा हुए हैं, समाज के खुश करके रखेंगे। परिवार तो जो है इनका कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं, इनका घर जो है कितना साधारण परिवार से है, लेकिन जोश और जज्बात इस तरीके से है कि ये जो है इनका कहना है कि अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो पूरे राजा पकड़ का जो है विकास करेंगे। हालांकि कुछ मुद्दा जो है इनका था उससे त्रस्त होकर जो है ये लोग विधानसभा चुनाव में भाग आजमाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तो कोई सुगुगाहट नहीं है बिहार में विधानसभा चुनाव का, आप लोग किस तरीके से तैयारियां शुरू कर दिए हैं अभी से? तैयारी मैं इसलिए करता हूं कि अभी से मेहनत करेंगे तो ना, जिस तरह की गेहूं बा होता है और गेहूं के काटने के समय में उसी प्रकार से मेहनत करता हूं, मेहनत करेंगे तो एक दिन को फल होगा। और मैं विधानसभा चुनाव लड़ने का हमारा मुद्दा है 127 राजा पाकर के मतदाता मालिक से मेरा अपील है कि इस बार भारी से भारी मतों से विजय बनाना है बेदामो देवी की। बिहार जो हुकार उठा, बिहार में कोई विकास नहीं है। हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री जी से
इनका खाली दारू का मुद्दा है और इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में इनको कोई मुद्दा नहीं है। हमारे 50 वर्ष उम्र हो गया, वैशाली जिला में कितना लड़की अमन गमन हुआ, वह लड़की जो प्यार मोहब्बत के चक्र भाग गया, वो अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया और पड़ता है लास्ट में गार्जियन पर। इसलिए मैं चुनाव लड़ता हूँ, जिस दिन बेदामों से भी जीत जाएगा उस दिन जो है रजापा के विधानसभा को जनता खुश हो जाएंगे। और इतना ही बात बोलकर अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत। अच्छा, तो देखिए जय हिंद जय भारत के साथ इन्होंने बातों पर विराम दे दिया है, लेकिन विराम यही रुकने वाला नहीं है। इनका देख सकते हैं कि 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करके इनका जगह जगह जो है विधानसभा और राजा पाकर में पोस्टर आपको दिखाई दे देगा। इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारा साथ हमारा प्रयास, हम सबका मिलकर करेंगे विधानसभा का विकास। राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र संख्या 127 सुरक्षित क्षेत्र के मतदातागण को इन्होंने शुभकामना दिया है। और ये पोस्टर छोटा छोटा आप सभी जगह देख सकते हैं, हालांकि बहुत जगह पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरीके से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगवाते हैं, लेकिन इनका सिंपल पोस्टर ही जगह जगह जो है अभी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी विधानसभा का कोई शुभारंभ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने तैयारियां की है तो ये काबिले तारीफ है। अब देखना दिलचस्प है कि जनता किसको चुनती है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बड़ा टफ चुनाव होता है। तमाम जो बड़े राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो लोग में सीधी टक्कर मानी जाती है। यहाँ से प्रतिमा कुमारी अभी जो है विधायक हैं, तो ऐसे में इन लोगों के लिए चुनौतियां रहेंगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं 2-4 हजार वोट में सिमट जाते हैं, लेकिन इनका कद जो है लोगों पर कितना भारी पड़ेगा देखना दिलचस्प होगा। नेशनल टीवी के लिए वैशाली से। 9 वर्ष मकर शांति, बसंत पंचमी, होली के पावन अवसर पर 127 रजा पाकर की समस्त जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय भाइयों बहनों युवागण माता बहन से मेरा इस बार अपील है कि इस बार भारी से भारी मतों से विजयी बनाए बिलामो देवी के, कि आपको 127 को हरा भरा रखेगा। और मेरा सपना है कि मुरवतपुर और बिलर चौक और गंज और रजा पाकर को एक सिर में रखें, और आप लोग का आशीर्वाद और स्नेह मिल जाएगा तो रजा पाकर को हम एक नंबर स्थान दूंगा। इतना ही बोल बात बोलकर अपना बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत।